नाइन्थ क्लास की मैथ प्रश्नावली 2.1 में पहला पांचवा प्रश्न पूछा गया है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे जो x जो चर है दोस्तों उसकी घात कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी घात है दोस्तों, ये हो गई द्विपदीय। ठीक है, क्या लिखेंगे, द्विघाती है। ठीक है, द्विघाती बहुपद। ठीक है, क्योंकि इस बहुपद में जो घात है दोस्तों चर की वो कितनी है, 2 है। उसी तरीके से आप इसमें देखेंगे कि जो बहुपद है दोस्तों इसकी जो चर है तो इसकी घात कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। उसी तरीके से आप तीसरे में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो y की जो घात है दोस्तों कुछ नहीं तो 1 है और y की घात यहाँ पे कितनी है, 2 है। ठीक है, तो इस ये कौन सा बहुपद की घात हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे द्विघातीय बहुपद। ठीक है, ये हो जाएगी द्विघातीय। ठीक है, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे भी करते हैं। इसी तरीके से आप देखते हैं पांचवें में क्या है दोस्तों, थ्री लिखा, उसके बाद टी की घात कुछ भी नहीं है, तो टी के ऊपर कुछ कोई भी घात नहीं है दोस्तों, तो उसको हम क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब जहाँ पे कोई भी घात नहीं होती है उसको हम 1 मान के चलते हैं। इसका मतलब कौन सी घात होगी दोस्तों, वो रैखिक हो गई। ठीक है, रैखिक बहुपद हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, उसी तरीके से आप चौथे में देखेंगे दोस्तों, इसकी घात कितनी है, 2 है। तो ये कौन सी घात कहलाएगी दोस्तों, यहाँ पर आप लिखेंगे द्विघातीय बहुपद। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। देखेंगे इसमें 7x यानी कि 7x, क्योंकि x की घात कितनी है दोस्तों, 3 है। तो ये कौन सी घात होगी दोस्तों, त्रिघातीय। ठीक है, क्या लिखेंगे, ठीक है, त्रिघातीय बहुपद, क्योंकि इसकी घात कितनी है दोस्तों, 3 है। इसी तरीके से लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते, बाय।